एक हिंदू शेर ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बहुत भीतर घात हुए आस्तीन के सांपों ने, जहर भी बहुत उगला पर केसरिया लहराया। राष्ट्र सुरक्षित हाथों में, निश्चिंत होकर हम भी बादलों के ऊपर से होते हुए उड़ चले गोवा की तरफ कुछ दिन विश्राम के। 5 बजे एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच गए, विश्राम किया और सूरज ढलने के बाद निकल पड़े गोवा की सड़कों पर। गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। खुशनुमा माहौल, यहां मैं कई बार पहले भी आ चुका हूं। टहलते रहे, गोवा की खूबसूरती को निहारते रहे। यहाँ बच्चे तो बच्चे हैं, युवा भी बच्चे बन जाते हैं और वृद्ध भी बच्चे बन जाते हैं। मन कुछ बेचैन सा था, इन रंगीनियों में मन लग नहीं रहा था, फिर भी टहल रहे थे। टहलते हुए थोड़ी देर बाद हम इस कैसीनो में पहुंच गए। चलता फिरता समुद्र में ये कैसीनो, यहाँ भी कई बार आ चुके हैं। डांस है, ड्रिंक्स है, दांव भी लगा सकते हैं। बस बमुश्किल 15 मिनट यहाँ रहे, एक उलझन सी थी दिमाग में। निकल आए बाहर की तरफ, हम चल रहे हैं अपने होटल। कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुबह ही हम समंदर के किनारे आकर बैठ गए। लहरों का शोर बहुत था परंतु बैठना अच्छा लग रहा था। समंदर के किनारे बाहें फैलाए हुए आवाज़ दे रहे थे और आवाज़ सुनकर लहरें भी मचल कर दौड़ पड़ती थी अपने किनारों से मिलने के लिए। एक पल की मुलाकात होती है, लहरों को लौटना पड़ता है क्योंकि यही उनका मुकद्दर है। इंसान को ज़िंदगी में एक बार कम से कम अपने गुजरे हुए कल की तरफ भी घूम कर देख लेना चाहिए कि क्या खोया और क्या पाया उसने अब तक। मैंने भी बीते हुए कल की स्मृतियों को कुरेदा, एक एक चीज़ चलचित्र की तरीके से आँखों के सामने तैरती चली गई। क्या फैसले ज़िंदगी में सही साबित हुए, क्या गलत साबित हुए, क्या खोया मैंने, क्या पाया मैंने। बीते हुए कल का मूल्यांकन करते हुए शाम ढलने तक बैठे रहे समंदर के किनारे, फिर उठकर अपने होटल की तरफ चल दिए। 3 दिन गुजर चुके हैं, आज 4th दिन गोवा में। 3 घंटे बाद अभी फ्लाइट है हमारी। गोवा आए हैं तो कुछ शॉपिंग भी ज़रूरी है। काजू फेनी यहाँ की बहुत मशहूर है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में ड्रिंक्स वाइन ले जाने की परमिशन नहीं है, तो हल्की फुल्की शॉपिंग कर ली। होटल जाके सामान लेना है और फिर सीधा एयरपोर्ट, शाम तक अपने शहर लखनऊ में।